हेलो फ्रेंड, दिस इज ओरेकल एपेक्स ट्यूटोरियल्स बाय जॉन हैंड। आप हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज पे लाइक शेयर और कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं, आपका ना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, बात करते हैं आज के लर्निंग टॉपिक की, जो कि है ओरेकल एप्लीकेशन एक्सप्रेस 5.1 इंस्टॉलेशन। अब हमें काम करना है ओरेकल एपेक्स पे, तो उसके इंस्टॉलेशन के भी बारे में हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम अपने सिस्टम में, अपने डेस्कटॉप पे, अपने लैपटॉप के अंदर किस तरीके से हम ओरेकल एप्लीकेशन को, एक्सप्रेस को इंस्टॉल करेंगे अपने से। तो इसके लिए हमारे पास कुछ स्टेप दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेप है हमारा इंस्टॉलेशन रिक्वायरमेंट, हमें इंस्टॉलेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। फिर हमें ओरेकल एपेक्स को डाउनलोड करना है, देन उसको इंस्टॉल करना है, उसको कॉन्फिग करना है, देन उसको क्या करना है, हमें रन करवा के हमें उस पर काम करना है। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसकी इंस्टॉलेशन रिक्वायरमेंट। हमें इंस्टॉलेशन रिक्वायरमेंट, सबसे पहले तो हमें ओरेकल एपेक्स इंस्टॉल करने से पहले तो आपके पीसी के अंदर ओरेकल डेटाबेस 11G या लेटेस्ट जो भी ओरेकल डेटाबेस का वर्जन है वो आपके पीसी के अंदर इंस्टॉल होना चाहिए। देन हमने ये जो लिंक दे रखी है इस पर जाके आप अपना ओरेकल, अगर आपने इंस्टॉल नहीं है आपके पीसी के अंदर डेटाबेस, तो आप इस लिंक पे जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं और देन इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना होगा, उसके बाद आपको ओरेकल डेटाबेस इंस्टॉल करने के बाद आपको ओरेकल एपेक्स डाउनलोड करना होगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, हमने लिंक यहाँ पे दे रखा है जहाँ जिसपे जाके आप ओरेकल एपेक्स को एक्सेप्ट करेंगे, देन डाउनलोड करेंगे। उसके बाद आपको क्या मांगेगा, ये एक लॉगिन स्क्रीन मांगेगा जहाँ आपको आपको लॉगिन, या अगर आपका पहले ही ओरेकल पे अकाउंट हैगा तो आप सीधे साइन इन कीजिए, अगर अकाउंट नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे अपना एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। देन क्रिएट करने के बाद आपको क्या होगा, एक जिप फाइल डाउनलोड होगी जो कि आपको अपने किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जाके आपको वहां पे पेस्ट करना, और ये जो फाइल आप डाउनलोड करोगे जिप में होगी। तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, यहाँ पे हमने एक स्क्रीन में दिखा रखा है कि आपने जो भी एपेक्स की फाइल को डाउनलोड करा उसको क्या करेंगे, डीकम्प्रेस करेंगे, जिप फाइल को हम करेंगे डीकम्प्रेस। तो सेकेंड स्क्रीन में आप देखेंगे कि जब आप इसको डीकम्प्रेस कर लेते हो और इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके के कुछ फोल्डर दिखते हैं। देन उसके बाद आपको क्या करना है, आपको CMD ओपन करना है। CMD पे आपको जहाँ पे आप एपेक्स पे है तो वहां तक की डायरेक्टरी आपको क्रिएट करनी पड़ेगी CD से। जैसे कि हम अपने user/train mission में है, उसके बाद आपको क्या करना है, हमने यहाँ पे क्या CD क्रिएट C:dev/program/apex में हम पहुंचे, वहां से हमारी डायरेक्टरी क्रिएट हुई। जहां तक एपेक्स का हमने क्या दिया, पाथ दे दिया, एपेक्स का हमने क्या दे दिया, पाथ दे दिया। देन उसके बाद हमें क्या करना है, हमको उसके बाद हमें क्या करना है, एपेक्स के पाथ पे पहुंचने के बाद हमें अपने SQL प्लस से कनेक्ट होना है। कनेक्ट होंगे हम sys DBA के थ्रू हम कनेक्ट होंगे, जो भी आपका पासवर्ड होगा sys/password/sysDBA। जैसे आप कनेक्ट होंगे उसके बाद आपको एक स्क्रिप्ट SQL की एक स्क्रिप्ट रन करवानी है जो कि आपकी एपेक्स फोल्डर के अंदर एक apexins.sql के नाम का एक स्क्रिप्ट होगी, उसको हमें रन करवानी है। इसके साथ कुछ पैरामीटर दिए गए होते हैं, @apexins.sql, देन आपको उसके साथ लगाना है table space_apex table space_file table space_temp, देन आपको इमेजेस का पाथ देना है। तो इसके नीचे आप एक स्क्रिप्ट और देखेंगे जिसको आपको लिखना है, सेम एटीडीज आप लिखेंगे तो आपका रन हो जाएगा, कोई एरर अगर नहीं होगी। @apexins.sql, देन आपको लिखना है sys aux देन temp देन /ice/. इसका मतलब क्या होता है, जो आई का मतलब होता है ये हमारा इमेजेस का पाथ हो गया, जिससे आपको एपेक्स की इमेजेस का मिल जाएगी। टेम्परेरी में क्या होता है, ये टेम्परेरी टेबल स्पेस और टेबल स्पेस फाइल्स को क्रिएट करता है। अब हमें क्या करना होगा,
अब हम इसको रन करवाने के स्क्रिप्ट को कम से कम आप पे 30 मिनट्स आपका लगेगा इसको इंस्टॉल होने में। देन आपको चेक करना है कि किस तरीके से आपको चेक करना है कि आपका एपेक्स इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ। तो आपको सारे यूजर्स को चेक करना पड़ेगा, जैसे कि आप स्क्रीन भी देखे और हमने साइड में एक क्वेरी दे रखी है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑल अंडर स्कोर यूजर। इससे आपको चेक करेंगे तो यूजर में सबसे पहले आपने जो वर्जन एपेक्स का इंस्टॉल करा होगा तो वो आपको वर्जन दिखा देगा, और उससे पहले जो आपका वर्जन होगा देन वो दिखा देगा। एंड आपका एक और यूजर नेम आएगा एपेक्स अंडर स्कोर पब्लिक अंडर स्कोर यूजर। अगर आपके तीन तीनों यूजर्स आपको शो हो जाते तो इसका मतलब आपका ऑलमोस्ट एपेक्स इंस्टॉल हो चुका है। बट आपको अभी कन्फिग करना पड़ेगा। कन्फिग करने के लिए आपको एक क्वेरी चलानी पड़ेगी, आपको एक स्क्रिप्ट को रन करवाने पड़ेगा। उस स्क्रिप्ट को क्या बोलेंगे हम, एट द रेट एपेक्स अंडर स्कोर ईपीजी अंडर स्कोर कन्फिग डॉट एसक्यूएल। इसके साथ आपको पेरेंट की एपेक्स डायरेक्टरी को हम प्रोवाइड करते हैं, तो उस डायरेक्टरी का नाम जहाँ भी आपने उसकी जो पेरेंट डायरेक्टरी होगी, इट मीन जहाँ पे आपने एपेक्स को फोल्डर को अनजिप करा तो उससे पहले की जो उसकी पेरेंट डायरेक्टरी होगी वहां तक का आपको इसमें पाथ देता देना है। देन उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यूजर को अनलॉक करना पड़ेगा। उसके लिए आपको कमांड चलेगी ऑल्टर यूजर एनोनिमस अकाउंट अनलॉक। इसको करने के बाद आपको एक बार और कन्फिग करना पड़ेगा, जिसपे इस कन्फिग से आपका क्या होगा, इस स्क्रिप्ट का हम यूज इसलिए कर रहे हैं, इससे क्या होगा आपका एक तो पासवर्ड सेट होगा एडमिन का, देन जो भी आपका एचटीटीपी पोर्ट लिसनर पोर्ट होगा वो आपका सेट होएगा। तो जैसे ही आप इस स्क्रिप्ट को चलाते हैं एपेक्स कन्फिग डॉट एसक्यूएल को, तो आपको एक स्क्रीन प्रोवाइड कर देगा जहां पर आपको पासवर्ड सेट करना होगा। देन आपको एक पोर्ट नंबर सेट दे देगा। देन उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने लोकल होस्ट पे https://localhost:8080/apex/apex_admin को आप रन करेंगे तो आपको ये स्क्रीन शो होगी। यहाँ पे आप जाइए, आप अपने यूजर नेम जो आपने वहां पे पासवर्ड में सेट कर रहा था और उसके पासवर्ड को आप डालेंगे तो आप इसके अंदर साइनिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, एक वहां पे ऑप्शन दे रखा होगा क्रिएट वर्क स्पेस। क्रिएट वर्क स्पेस का आप जब क्रिएट कर लेंगे, लॉग इन कर लेंगे, उसके बाद आपको करना है क्रिएट वर्क स्पेस यूजर नेम और पासवर्ड, देन आप सक्सेसफुली इसको ओरेकल एपेक्स को यूज कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये थी आज की हमारी एपेक्स ओरेकल एपेक्स इंस्टॉलेशन की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करना ना भूलें। और हमारी वीडियो से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।